जी हाँ, वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग सोलर सिस्टम से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम कवर करेंगे, ओके? तो आप लोग ध्यान देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच इज द डीपेस्ट पॉइंट फ्रॉम द सी लेवल ऑन द अर्थ, यानी पृथ्वी का सबसे निचली बिंदु क्या पूछ रहा है? पृथ्वी का सबसे निचली बिंदु क्या है? मरीना ट्रेंच। क्या है? मरीना ट्रेंच। समझ में आ गया? यस सर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, यानी सबसे चमकीला ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? वीनस। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम अकॉर्डिंग टू साइज, साइज के अनुसार सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर। ओके, वेरी गुड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम डज द सन राइज इन द वेस्ट एंड सेट इन द ईस्ट, मतलब सौरमंडल का वह कौन सा ग्रह है जो सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता हो और अस्त पूर्व दिशा में होता हो, कौन सा ग्रह है वो? शुक्र ग्रह है ना? Yes, sir. Next question है, Which of the following planet is known as morning star? सुबह का तारा, सुबह का तारा या भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? Venus को। इसे सांझ का तारा कहा जाता है, भोर का तारा कहा जाता है, पृथ्वी का बहन कहा जाता है ना? पृथ्वी का भगनी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन, यानी सूर्य के सबसे नजदीक वाले ग्रह, सूर्य के सबसे नजदीक वाले ग्रह कौन सा है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी है ना? मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? वीनस। ओके, गुड, आप लोग का जवाब सही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन, ये कौन सा है? नियरेस्ट टू द अर्थ, यानी पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? यानी हमारे पृथ्वी के सबसे निकटतम में कौन सा ग्रह है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज आवर सोलर सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज रेड प्लैनेट, हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह है जो लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द लाइट ऑफ द सन टू रीच द अर्थ, यानी हमारे सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह कौन सा है? जिस पर हमारा जीवन है, है ना? Yes, हम लोगों का घर है, इसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं अर्थ को? ब्लू प्लैनेट अर्थ को क्यों बोला जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर 71% वाटर है, पानी है, इसीलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है। दूर से पानी देखने पर नीला दिखाई पड़ता है, इसीलिए यह नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, फोबोस एंड डीमोस आर द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ व्हिच प्लैनेट, कौन सा ग्रह का एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम है फोबोस और डीमोस, वह कौन सा ग्रह है? इसका दो ही ग्रह है, फोबोस और डीमोस। ओके, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको, आप लोगों का ये आज का क्लास अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, है ना? तो आज का क्लास यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।